हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू हसल डेली व्लॉग। सो आपको वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो मिस्टर यूनिवर्स एट द एज ऑफ 27 टाइम्स, मिस्टर ओलंपिया 14 टाइम्स, द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग टाइटल होल्डर डी आर्नोल्ड। तो हम सभी जानते हैं उनकी आइकॉनिक फिजिक और उनके डेली वर्कआउट और हैवी लिफ्टिंग को, लेकिन क्या आप जानते हो वो अपने रेस्ट डेज में घर पर वर्कआउट करते थे बिना इक्विपमेंट्स के। आज हम वही पूरा वर्कआउट ट्राई करने वाले हैं। तो ये वर्कआउट बॉडी वेट है, तो आप ये मत समझना कि इजी होगा, आर्नोल्ड का वर्कआउट है सो कोर्स हार्ड होने वाला है। सो रेपिटेशंस और जो इसमें एक्सरसाइजेज हैं, टोटल 8 to 9 एक्सरसाइजेज हैं और रेपिटेशंस भी 50 to 100 हैं। सो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना और अपने रेस्ट डेज में या फिर जिस दिन आप जिम ना जाओ तो उस दिन ये ट्राई कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि है बॉडी वेट पुशअप्स। टोटल रेपिटेशंस इसके मैं रखूँगा 50, तो एक सेट करूँगा, ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट सेट में 50 रेपिटेशंस आ जाए। ये है एडवांस लेवल के लोगों के लिए, और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं 20 पुशअप्स। सो वो या तो एक बार में हो जाए या फिर आप दो सेट इसके कर सकते हो, फर्स्ट सेट फिर थोड़ा गैप 30 to 45 सेकेंड्स का, फिर अगेन 10 रैप्स। सो स्टार्ट करते हैं। सेट में 50 रैप्स किए हैं और इसका मैं एक ही सेट करूँगा। अगर आपसे एक बार में नहीं 50 होता है तो दो सेट्स कर सकते हो या तीन सेट्स भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ लेवल के अकॉर्डिंग। सो मैंने फर्स्ट सेट में 50 डन, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज हमारी। अभी हमने 50 रैप्स किए हैं दो सेट्स में। सो फर्स्ट सेट में 30 और सेकंड में 20 निकले, और अभी लाइक मैं दोबारा से बैठ रहा हूँ तो मेरे रैप्स में क्रैम्प आ रहे हैं लिटरली। ऐसे बैठने पे लोअर रैप्स क्रैम्प आ रहे हैं। और करते हैं, सो देखते हैं दो सेट में होते हैं या तीन में, ट्राई करता हूँ टू सेट्स में कंप्लीट करने का। सो स्टार्ट करते हैं।
30-45 सेकेंड्स का ब्रेक लूँगा, फिर 20 रेपिटेशन्स और फिर ये सेट हो जाएगा कंप्लीट 100 रैप्स का। सो अगर आप बिगनर है तो फिर 50 ट्राई कर सकते हो, 3 to 4 sets में। सो रेस्ट 30-45 सेकेंड्स का रखना कम से कम, क्योंकि बॉडी वेट ट्रेनिंग है। सो जितना कम रेस्ट रहेगा उतना ज़्यादा। सेकेंड एक्सरसाइज सिटअप्स कंप्लीट हो गई है। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसे ये वाला वेरिएशन ट्राई किया। ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है बट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आया मुझे एब्स में। 100 रैप्स किए मैंने, 4 sets। एब्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, अगर आपको ट्राई करनी है घर पे तो आप ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। सो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है बार डिप्स। सो बेसिकली आर्नोल्ड जो घर पर करते थे वो चेयर का यूज़ करके उस पर बार डिप्स करते थे। यहाँ पर हमारे पास बार डिप्स मशीन है तो मैं इसी पे करूँगा। सो रेपिटेशन रहेगा 40, देखते हैं 40 2 sets में या 3 sets में आते, और बिगनर्स इसके 15 रेपिटेशन कर सकते हैं। सो 15 to 20 रेपिटेशन, 20 करेंगे 2 sets और 15 1 set। सेट्स हो गए 40 रैप्स कंप्लीट, और अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, सो अभी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि एब्स के लिए है, लेग प्रेसेस। सो इसके मैं करूँगा 50 रेपिटेशंस, 2 sets में हो जाएगा, 25 के 2 sets, और जो बिगनर्स हैं वो कर सकते हो इसके 20 रेपिटेशंस। सो 10 के 2 sets। एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि है काफ फ्रेजेस, बॉडी वेट काफ फ्रेजेस। सो यहाँ पे मैंने स्टेपर लिया है, सो आप कुछ भी ऐसे हाइट का रख सकते हो जिसमें कि आपका लाइक रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा इतना हो। सो अभी ये मैं करूँगा 50 रैप्स। सो ईच लेग से सिंगल लेग्स करनी है 50, सो टोटल बोथ लेग से 100 हो गया। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना रैप्स आता है फर्स्ट सेट में। जो बिगनर्स हैं वो इसके 20 ईच कर सकते हो, सो लाइक टोटल 40 रैप्स। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पंप आ रहा है बॉडी वेट में भी लाइक। सो ये थी हमारी 5th एक्सरसाइज, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। बेसिकली ये अपर बैक के लिए एंड आर्म्स के लिए है। सो इसके करेंगे अभी 50 रैप्स। सो देखते हैं कितने आते हैं फर्स्ट सेट में।
चाहिए फर्स्ट सेट में 20 रैप्स आए हैं और अभी मैं इसके 3 सेट्स करता हूँ सो सेकंड में 20 और लास्ट में 10 सो जो बिगिनर्स हैं वो इसके कर सकते हो 2 सेट्स 20 रैप्स 10 ईच इसमें आपको ग्रिप का थोड़ा ध्यान रखना है का अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखना वरना तो अगर छोटा तो इंजरी हो सकती है सो स्पेशली इस एक्सरसाइज में हाँ सो अभी एक सेट और करते हैं 10 रेपिटेशंस फिर स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सो इस एक्सरसाइज में काफ़ी लाइक बैक मेरी इंगेज रही थी बैक का तो पूरा ही रोल है और आर्म्स का भी सो बाइसेप्स फोर आर्म्स अच्छी एक्सरसाइज थी सो बट इसको करने के लिए थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होगी तो लेकिन ट्राई कर सकते हो जितने भी रैप्स आते हैं कितने भी सेट्स में कंप्लीट करो 20 रैप्स बिगिनर्स सो एडवांस लेवल तो 50 तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 बेंट ओवर ट्विस्ट सो बेसिकली ये एक्सरसाइज आपका पूरा कोर कवर करेगी आपके साइड्स ऑब्लिक्स एब्स सो एक पूरा बेसिकली आप सो यहाँ पे वो पाइप नहीं है सो लाइक पाइप और कुछ भी लाइक आप स्टिक यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पर जिम में नहीं है तो मैंने ये बार लिए बारबेल लिए सो ये वेटेड है सो मैं ट्राई करूँगा इसके 30 रैप्स तो इस एक्सरसाइज को हमने थोड़ा सा एडवांस बना दिया है क्योंकि ये वेटेड हो गया है वरना तो जो आर्नोल्ड का रूटीन है उसमें वो वेटेड नहीं करते बेस्ट एक्सरसाइज है कोर के लिए ये वाली और इसमें मैंने थोड़ा सा नोटिस किया मेरी अपर बैक भी एंगेज हो रही थी सो लाइक जब ट्विस्ट करते टाइम सो ट्विस्ट जैसे मैं राइट साइड कर रहा हूँ तो मेरी लेफ्ट बैक लेफ्ट लेग्स भी एंगेज हो रहा था सो कोर प्लस बैक सो काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये वाली ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बिगिनर्स बॉडी वेट पहले बिना स्टिक के आप ये ट्राई कर सकते हो उसका तो लाइक दिस बैक करके स्पाइन स्ट्रेट करनी है अपनी आज नहीं लेकर स्पाइन स्ट्रेट और फिर ये बिगिनर्स के लिए सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 8th सेकंड लास्ट एक्सरसाइज सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी 8th एक्सरसाइज बॉडी वेट स्क्वाट्स सो फॉर कंप्लीट लेग्स ग्लूट्स तो इसके मैं करूँगा 70 रेपिटेशंस 2 सेट्स स्टार्ट करते हैं
40 रेप्स एक सेट में हो गया. ओके सो जो बिगनर्स हैं 50 रेप्स कर सकते हो टू सेट्स में 25 ईच. अभी करते हैं हमारी लास्ट फाइनल एक्सरसाइज चिन अप्स. लाइक इस पूरे वर्कआउट रूटीन में हमने पूरी बॉडी ऑलमोस्ट कवर कर दी है. सो मैं अभी बताऊंगा चिन अप्स के बाद कौन कौन से मसल्स हमने ट्रेन करे हैं इस बॉडी वेट एक्सरसाइज में. चिन अप्स के बाद करूँगा 30 रेपिटेशंस, दो सेट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए. चिन अप्स के 3 सेट हो गए, 30 रेपिटेशंस. बिगिनर्स 20 रैप्स कर सकते हो, 2 सेट्स. ऑलमोस्ट मैंने इस बॉडी वेट एक्सरसाइज वर्कआउट रूटीन में सारे ही मसल्स ग्रुप हमने ट्रेन कर चुके हैं, लाइक बैक, चेस्ट, आर्म्स एंड कोर एरिया पूरा कंप्लीट, लेग्स, स्क्वाट्स में ग्लूट्स एंड लेग्स और काफ्स. सो ये सारी मसल ग्रुप्स हमने ट्रेन कर चुके हैं, जो कि मेन लाइक मेन जो बॉडी के पूरे जो मेन मसल्स हैं वो सारे हम ट्रेन कर चुके हैं इस रूटीन में. सो उतना ईजी है नहीं जितना लाइक को दिख रहा है. जब एक्चुअली मैंने भी किया है तो ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है हमें, है ना. सो इसको पूरा करने में 1 घंटा लगा है. सो इतना ईजी नहीं है, मुझे भी टफ लगा है. कुछ एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और लाइक करके मुझे भी फील हुआ है लाइक हाँ एक्चुअली तो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग है, आर्नोल्ड का रूटीन है. तो इतना इजी होगा नहीं, डेफिनेटली इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा. रूटीन ट्राई कर सकते हो एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग. बाय. इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. आई ओनली स्टॉप कंपीटिंग बट आई एम नॉट स्टॉपिंग बॉडी बिल्डिंग. इट्स द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट. थैंक यू.